इस सब देखने वालों को असदुल्ला केबी का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैरियत होंगे। तो मैंने आज का अपना व्लॉग नंबर 233 स्टार्ट कर दिया है। सुबह जैसे कि कॉलेज से आया, इतनी तेज बारिश थी और अब देखिए इतनी सख्त, मतलब धूप ही धूप हो गई है। इतना इंस्टेंटली मौसम जो है ना चेंज हो रहा है, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं है। क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, अभी जो है ना घर की तरफ निकलना है, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा काम है। छोटे भाई के कॉलेज जाना है, उनका रोल नंबर लेना है, ताकि क्योंकि उनके आगे नेक्स्ट एग्जाम आ रहे हैं एफएससी के, तो रोल नंबर ज़रूरी होता है। ये जो है ना अपनी लैम्बो पे तैयार है, ये अपने घर जाएंगे और मैं जो है ना इस लैम्बो पे अपने घर, और क्लासेस वगैरह ख़त्म है तो बस अभी निकलते हैं। काम शाम ख़त्म करते हैं और घर को निकलते हैं, क्योंकि फिर जो है ना 3 बजे एकेडमी का सीन होगा। तो बहरहाल व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। जितने भी नए देखने वाले हैं कांडी चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करें और मेरे व्लॉग को एंड तक देखिए, यकीनन आपको मज़ा आ जाएगा। तो फिलहाल निकल लेते हैं। ये लेफ्ट साइड पे हमारे छोटे भाई के कॉलेज है। मुझे मुश्किल लग रहा है कि खुला हो, क्योंकि 1 बजे छुट्टी हो जाती है और अभी जो है ना 1:20-1:15 हो रहे हैं। तो बहरहाल लेट सी, अंदर चलते हैं, चेक करते हैं कि कोई है भी कि नहीं। हुआ तो रोल नंबर स्लिप उठा लेंगे, नहीं तो वापसी सीधा घर करेंगे। कॉलेज से वापस जाया जा रहा है, क्योंकि रोल नंबर स्लिप का मैंने पूछा है, उन्होंने कहा भाई अभी तक प्रिंट नहीं हुए, तो कल आके ले जाना। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, मेरा कॉलेज नज़दीक है, मैं कल आ जाऊँगा। अभी जो है ना यही से सीधा निकलेंगे, आपको पता ही होगा पहले बाज़ार आएगा, बाज़ार से आगे के लिए तो यही कोई जो है ना 9 किलोमीटर का सफ़र होगा। यार इतना है स्पीड मीटर में, वो निकलते हैं भाई, स्पीड दे देते हैं। घर वापस पहुंच चुके हैं, साथ में रास्ते में अबू को भी साथ में पिक कर लिया था, अबू भी रास्ते में थे, तो मैं बाइक में था, मैंने कहा चलो अबू को भी पिक कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल अभी जो है ना पहुंचते ही थोड़ा रेस्ट करके चेंज करके खाना खा के फिर जो है ना 3 बजेंगे, क्योंकि अभी 2 तो ऑलरेडी हो रहे हैं। तो यही कोई मेरे पास जो है ना 50 मिनट है, 50 मिनट के अंदर थोड़ा रेस्ट, खाना वगैरह चेंज वगैरह करेंगे और फिर चलेंगे भाई अकेडमी की तरफ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 45 मिनट बाद। अभी क्या बताऊं क्या बताऊं, कहाँ से शुरू करूं, लेकिन बहरहाल कोई मैंने जो है ना 3 नहीं बल्कि 4 घंटे बाद फिर जो है ना अपना 5 घंटे बाद, क्योंकि 2 बजे मैंने ब्लॉग की आखिरी बात की थी, अभी 7 बज रहे हैं, तो 5 घंटे बाद फिर ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। वो असल में इस वजह से क्योंकि 3 बजे मैं जैसे ही जो है ना अपनी अकेडमी के लिए जाने लगा, तो बाकी मेरे साथ दूसरे सारे यहाँ पे थे, वो भी अकेडमी पढ़ाने जाते हैं, तो वो मेरे साथ बैठ गए बाइक पे, तो फिर उनके सामने मैंने ब्लॉग बनाया नहीं। फिर अकेडमी से वापस आया, अभी जो है ना नमाज पढ़ी, अभी जो है ना एक और जगह जा रहा हूँ, 3 कोई बच्चे हैं उनको देखता हूँ, शायद उनको भी पढ़ाना स्टार्ट करूँ। लेकिन बहरहाल निकलता हूँ, वापस आएंगे कोई 8 बजे, 8:30-9 बजेंगे, तो डबल ट्यूशन हो जाएगी अगर उनके साथ मेरी आज बात बनी तो। लेकिन बहरहाल अभी जो है ना वहाँ निकलते हैं, उन्होंने कॉल किए कि सर आप आ जाएँ, तो मैं जा रहा हूँ ट्रायल बेस पर, आज पहले दिन उनको पढ़ा लेंगे, देखते हैं क्या सीन बनते हैं, आपके साथ फिर मैं रिजल्ट शेयर करता हूँ। दूसरे ट्यूशन से भी वापस आ चुके हैं, यहाँ पे जो है ना पढ़ने का माहौल बना हुआ है, तो बहरहाल मैंने क्या आपके साथ रिजल्ट शेयर करूँगा, तो नतीजा ये निकला कि यार उनके साथ भी मेरी डील डन हो गई है, मतलब अभी उनके उनको भी पढ़ाऊँगा, एक ही बच्चे, तो 3 बजे एकेडमी जाया करूँगा जैसे कि आज गया हूँ, और फिर जो है ना थोड़ा दीगर को फ्री हुआ करूँगा, फिर मगरिब की नमाज से ईशा की नमाज तक दूसरी ट्यूशन होगी, तो ये सारा सीन होगा। इन बच्चों की तरह मेरी भी जो है ना बच्चों वाली मेहनत स्टार्ट हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं है भाई, घर तो पहुंच चुके हैं, काफ़ी लेट भी है, ऑलरेडी 10 अभी बज रहे हैं, तो मैंने क्या भाई वर्ड ऑफ़ द डे भी शेयर कर लेते हैं, उसके बाद ब्लॉग एंड करते हैं। वर्ड ऑफ़ द डे की तरफ चले जाते हैं, कल से फिर क्योंकि कॉलेज का सीन होगा, जल्दी सोने पे अपने आप को आदत करेंगे, क्योंकि अभी टाइम शॉर्ट हो रहा है मेरे साथ। जब वर्ड ऑफ़ द डे मैं चेक करता हूँ, फुल प्रॉपर एक किस्म की इंक्वायरी करता हूँ, उसके बाद जो है ना आपसे वर्ड ऑफ़ द डे शेयर करता हूँ। इसी दौरान मुझे नींद आ गई और मैं सो गया, अब जाके सुबह हो गई, नमाज पढ़ ली है, नमाज पढ़ने के बाद आया हूँ, तो मैंने कहा भाई यार कल का जो काम रह गया वर्ड ऑफ द डे अभी तक शेयर नहीं किया, जल्दी से शेयर करके व्लॉग को एंड करके एडिट करके अपलोड करते हैं, ताकि फिर कॉलेज भी जाऊँ। अभी मैं अभी जो है ना इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं, ठीक है वो देख रहे हैं, सुबह मॉर्निंग हो चुकी है, तो सुबह के 5 बज रहे हैं, नमाज पढ़ ली है, टोपी भी पीछे रखी हुई है, तो आया हूँ चेक किया वर्ड ऑफ द डे। तो बहरहाल आज का जो हमारे पास वर्ड ऑफ द डे है वो है एब्स्ट्रूज, इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो अगर इसको हम सेंटेंस भी यूज करेंगे तो सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल होगा, सम ऑफ द क्लासिक नॉवल्स आर एब्स्ट्रूज फॉर द बिगिनिंग रीडर्स टू अंडरस्टैंड।
मतलब ये हुआ कि भाई जो है ना कुछ ऐसी नावल्स है, बल्कि मेरे लिए तो बहुत सी ऐसी नावल्स है। जैसे ये सामने एक पढ़ी भी हुई है, टू किल अ मॉकिंग बर्ड। यकीन माने मेरे लिए इतनी एब्स्ट्रूस थी पढ़ने में, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड थी मेरे लिए, कि मैं जो है ना इसको थोड़ा सा पढ़ा फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि समझ ही नहीं आ रही थी, इतनी क्लासिक तरीके से लिखी हुई थी। लेकिन बहरहाल एब्स्ट्रूस का मतलब भी आपको समझ आ ही गया होगा। इसके लिए मैंने एक और वर्ड भी यूज किया था, मुझे अभी भी याद आ रहा है, एखेन। तो उसका मतलब यही था, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन बहरहाल यार आपके साथ मैंने वर्ड ऑफ द डे शेयर कर लिए कर लिया है, तो इसी के साथ अपना व्लॉग भी एंड कर लेते हैं, ताकि मैं जल्दी से इसको एडिट करके अपलोड कर दूँ। 8 बजे कॉलेज जाने से पहले मेरा सारा काम खत्म हो जाए। तो बहरहाल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। नए देखने वाले सब्सक्राइब करते हुए जाएं, और खुश रहे, बाद रहे, सेहतमंद रहे, और दुआ में याद रखे, अल्लाह हाफिज।